जी हिंद दोस्तों, आज का वीडियो इस ट्रांसफार्मर के ऊपर रहने वाला है। एक्चुअली ये ट्रांसफार्मर को यूज करके हम एक इन्वर्टर बनाने वाले हैं, जिस पर आप 500 से 600 वाट तक का लोड आराम से चला सकते हो। तो ये वीडियो में हम सिर्फ ट्रांसफार्मर बनाएंगे और आने वाला नेक्स्ट वीडियो में इस ट्रांसफार्मर को ड्राइव करने वाला सर्किट उसके बारे में हम देखेंगे, उसे हम बनाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। इसका वाइंडिंग का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे शॉर्टकट में, और उसके बाद में हम इसका वाइंडिंग करेंगे और फिर हम ट्रांसफार्मर को कंप्लीट बना के फिर इसका टेस्टिंग करेंगे। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे ही कंटेंट्स मिलते रहते हैं, जैसे टू व्हीलर फोर व्हीलर के मॉडिफिकेशंस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑडियो सिस्टम। इस एक से एक बढ़कर एक वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हमेशा लाता रहता हूँ, और साथ में बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाकर के फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से दो बॉबिन हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं इस ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए। ये सब सामान आप कोई भी पुराना वाला जो ट्रांसफार्मर रहता है उसे खोल के आप ये सब सामान आसानी से अवेलेबल कर सकते हो। देखिए ये कुछ मैग्नेटिक कोर है जो कि हमने ट्रांसफार्मर से ही निकाले है। दो ट्रांसफार्मर को हमने खोल के ये सब कोर जो है ये सब हमने निकाले है, आई शेप वाला कोर और ई शेप वाला कोर, ठीक है। अब दोस्तों ये सभी सामान आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, अगर आप कोई अच्छे एरिया में रहते हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल की जो शॉप होते हैं वहाँ पर ये आसानी से मिल जाते हैं ये सब सामान। लेकिन मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर ये सब सामान मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप घर पे भी जो पुराना वाला जो ट्रांसफार्मर है उसी से आप सब सामान निकाल लीजिए। तो दोस्तों इस ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए हमें एक बॉबिन चाहिए थोड़ा बड़ा साइज का, लेकिन ये बहुत ही छोटा साइज का बॉबिन है, इसलिए मैं इसे क्या करूंगा, इसलिए दो बॉबिन को मैं एक साथ जोड़ दूंगा, ठीक है। इसे हम कट करेंगे, इसे चिपकाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप बड़ा वाला बॉबिन आप खुद भी बना सकते हो, पीवीसी पाइप को गर्म करके उसका एक सीट बना के उसका भी आप बॉबिन बना सकते हो। तो चलिए जल्दी से मैं अभी इसे कट कर लेता हूँ और जल्दी से इसे चिपका के फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इन दोनों बॉबिन को हमने इस तरह से यहाँ पर कट कर लिया है, अब हम दोनों को चिपकाएंगे। अब दोस्तों याद रहे आपको इसे अच्छे से फिनिशिंग देना है सैंड पेपर की मदद से, और तभी आप इसे चिपकाइए ताकि ये परफेक्ट चिपके, ओके। और इसे चिपकाने के लिए आप इंस्टेंट ग्लू या फिर फेविक्विक आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन याद रहे आपको अच्छे से चिपकाना है ताकि अच्छे से फिट हो जाए। तो दोस्तों देखिए कुछ इस प्रकार से मैंने इसे चिपका दिया है, ओके, इंस्टेंट ग्लू यूज़ करके। इसे एकदम भी परफेक्टली चिपकाना होगा क्योंकि इसमें हमें जो आयरन का जो कोर रहता है मैग्नेटिक कोर जो हमने दिखाए थे आपको, वो हमें इसमें फिटोफिट लगाने हैं, इसलिए इसे अच्छे से चिपकाना है, ओके। और इसे और स्ट्रांग बनाने के लिए आप जे किसान का जो पीवीसी सॉल्वेंट जो आता है जो हम हमेशा यूज़ करते आए हैं हमारी वीडियोस में पीवीसी चिपकाने के लिए, तो ये भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हो, इससे ये थोड़ा सा हीवी और बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा बॉबिन अभी बन के रेडी है, ठीक है। वो पीवीसी सॉल्वेंट लगाने के बाद आपको एक घंटा तक आपको रुकना पड़ेगा इसे सूखने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब हम वाइंडिंग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से यहाँ तक पूरे यहाँ तक कोर हम यहाँ पर लगाएंगे, ओके। तो ये कोर का एरिया हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा, उसी से ही हम कैलकुलेशन करेंगे, और इसमें हमें कितने टर्न्स लगाने हैं ये हम आगे देखने वाले हैं, मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर हमें एरिया निकालना पड़ेगा, तो हमें कोर का एरिया हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं एक और पहले से वीडियो बना चुका हूँ ट्रांसफार्मर का जो कैलकुलेशन है उसके ऊपर, इसे डिज़ाइन कैसे किया जाता है, इसका कैलकुलेशन कैसे करना होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप चैनल पे विजिट करके वो वाला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने सब डिटेल्स में बताया है, ओके। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा शॉर्टकट में ही आपको बता दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा इसलिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसका एरिया हमें यहाँ पर निकालना है, ओके। बॉबिन का एरिया हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर कोर लगाने वाले हैं तो यही एरिया हमें निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एरिया ऑफ कोर ये निकालेंगे, ओके। तो उसमें हम बॉबिन का ये जो बॉबिन है इसे हम बॉबिन बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पर इसका जो लंबाई है लेंथ और इसका चौड़ाई ब्रेड, ओके, तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर एरिया ऑफ कोर को, ओके, और अब यहाँ पर हम बॉबिन का लंबाई ये वाला इसे हम लेंथ कहते हैं, ओके, और चौड़ाई इसे हम ब्रेड्थ कहते हैं,
ओके। तो अभी इसका इंचेस में हमें इसका डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इंच में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर इसे हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए इसे आपको कैलकुलेट करना है, देखिए ऊपर का इंच है और नीचे का सेंटीमीटर, तो ये इंच देखिए यहाँ पर 3 इंच के थोड़ा सा आगे है, तो हम यहाँ पर 3 इंच भी ले सकते हैं या फिर 3.1, हम यहाँ पर 3 इंच ही यहाँ पर ले लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर इसका लेंथ हो गया 3, ठीक है, अभी इसका लंबाई हो गया, अभी इसका चौड़ाई, तो इसका चौड़ाई भी देख लेते हैं कितना है, देखिए 1 इंच। ओके, हम एक्यूरेट है 1 इंच, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम 1, ओके, तो अभी इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 यहाँ पर 3 आ जाएगा, ओके आंसर। तो अभी हमारा यहाँ पर एरिया ऑफ कोर निकल चुका है ये वाला, ठीक है, ये वैल्यू हमें मिल चुका है। अब दोस्तों हमें टर्न पर होल्ट निकालना है, ओके, टर्न पर होल्ट, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर एक कॉमन वैल्यू होता है, जब हम 50 हर्ट्ज का जो ट्रांसफार्मर होता है उसे अगर डिज़ाइन करते हैं तो यहाँ पर एक कॉमन एक वैल्यू होता है, वो हमें इस कैलकुलेशन में यूज़ करना पड़ता है 7.5, ये कॉमन होता है, ओके, 50 हर्ट्ज का जो हम ट्रांसफार्मर जो बनाते हैं तो उसके लिए ये कॉमन होता है। जब भी हम 50 हर्ट्ज का अगर ट्रांसफार्मर बनाते हैं तो उसके लिए 7.5 ये वैल्यू सबके लिए कॉमन होता है, आप कोई भी ट्रांसफार्मर डिज़ाइन कर रहे हो तो, ओके, आप कोई भी ट्रांसफार्मर, अभी वो इन्वर्टर का हो या फिर स्टेबलाइजर का हो या फिर कोई भी ट्रांसफार्मर अगर होता है तो उसमें 7.5 हमें ये वैल्यू लेना ही पड़ता है अगर उसका हमें कैलकुलेशन निकालना है। तो यहाँ पर अभी टर्न पर वोल्ट निकालना है, तो देखिए उसके लिए 7.5 हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा, ओके, और अभी यहाँ पर नीचे एरिया ऑफ कोर, ओके, अभी एरिया ऑफ कोर हमारा क्या है ये वाला, ठीक है। अभी हमें टर्न पर होल्ट निकालना है ये वैल्यू, तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 7.5 ये वैल्यू हम पुट अप कर देंगे ये वाला वैल्यू, अभी एरिया ऑफ कोर का वैल्यू क्या है 3, तो ये हम यहाँ पर पुट करेंगे कि अभी इनका हमें कैलकुलेशन, इसका आंसर हमें निकालना है, तो इसका आंसर हम निकाल लेते हैं अभी। (7.5)/3, ओके, अभी इसका आंसर आ जाएगा 2.5, ओके, तो ये 2.5 हम यहाँ पर ले लेते हैं, तो ये हमारा निकल गया टर्न पर होल्ट, अभी ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। अभी हमें ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन बनाना है, हमें कोर यानी कौन सा लूप हमें कहाँ से कितने होल्ट पर निकालना है, तो ये अभी हम पहले डिज़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल तो हम सेंटर टैप ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, ओके, कौन सा वाला, सेंटर टैप, ओके, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, ओके। दोस्तों ट्रांसफार्मर शॉर्टकट में इसे लिखते हैं, ये आपको याद रखना है, एक्स और उसके पावर में MER, इसे ट्रांसफार्मर लिखते हैं शॉर्टकट में। अब दोस्तों ये एक सिंपल सा यहाँ पर कोर है, ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम एक वाइंडिंग बनाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें 2 कनेक्शन निकालना है, ओके, अब यहाँ पर सपोज हमें अभी हमारा ये 0 है, ठीक, 0 वोल्ट यानी ये न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल हो गया यहाँ पर, ओके, न्यूट्रल वायर ये आपका हो जाएगा, अभी यहाँ से 0 वोल्ट हो, 0 से हमें यहाँ पर 140 वोल्ट तक ये यहाँ पर एक लूप निकालना है, ठीक है। उसके बाद में हम ऊपर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें 220 वोल्ट या फिर आप ज़्यादा भी वोल्ट यहाँ पर ले सकते हो, 240 या फिर 260 वोल्ट तक भी आप इसे बढ़ा सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर 220 वोल्ट ही यहाँ पर ले रहा हूँ, ओके। तो ये आ गया, अभी ये हमारी एक साइड की कॉइल हो चुकी है, ठीक है, उसका डिज़ाइन है। अभी यहाँ पर हमारा सेंट्रल टैप, तो यहाँ पर इस प्रकार से, ओके, ये वाला एक और ये वाला एक, ठीक है, अभी ये 3 लूप यहाँ पर निकल चुके हैं,
तो दोस्तों अभी ये हमारा सेकेंडरी कॉइल हो गया, ठीक है। अभी ये वाला एक कॉइल हो गया और ये दूसरा वाला कॉइल। तो यहाँ पर हमें 3 होल का हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम एक इन्वर्टर के लिए ये ट्रांसफार्मर हम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें 10 होल्ड, ये 0 होल्ड और ये वापस हमारा 10 होल्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका यहाँ पर ये अभी डिज़ाइन रेडी है। अभी हमें यहाँ पर कितना टर्न्स लगाना है ये इसका कैलकुलेशन में अभी यहाँ पर नीचे हम करेंगे। तो दोस्तों अभी हमें यहाँ पर टर्न्स हमें निकालने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स। तो सबसे पहला कैलकुलेशन होगा हमारा 0 से 140 होल्ड तक, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो वोल्टेज है उसे हमें टर्न पर जो होल्ड जो इसका जो वैल्यू आया है ये वाला, तो इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सपोज़ अभी हमें 140 होल्ड तक, यहाँ तक हमें इसका हमें कैलकुलेशन निकालना है। तो 140 यहाँ पर हम ले लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हमारा टर्न पर होल्ड, इसका वैल्यू क्या है, 2.5, ठीक है। अभी इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर हम निकाल लेते हैं। देखिए 140 मल्टीप्लाई बाय 2.5, ओके, इसका हम इज इक्वल टू करेंगे तो देखो 350, ओके 350, ओके। तो ये इतना इसका नंबर ऑफ टर्न्स ये आया है, ठीक है। यानी हमें 140 होल्ड अगर निकालना है तो वहाँ तक हमें इतना टर्न्स यहाँ पर हमें देने पड़ेंगे, ठीक है। यानी हमें एक होल्ड बनाने के लिए यहाँ पर ये वाला इतने टर्न्स हमें लगाने पड़ेंगे, ओके। एक होल्ड बनने के लिए हमें 2.5 टर्न्स हमें लगाने पड़ेंगे हमारे बॉबिन में, तब जा करके एक होल्ड यहाँ पर बनेगा। तो इस प्रकार से अब विशेष दूसरा जो कैलकुलेशन है ये भी हम निकाल लेते हैं, दूसरा वाला। अभी 220 220 होल्ड के लिए हम इसे भी टर्न पर होल्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 220 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 550 टर्न्स ये अभी आ चुके हैं, ओके। इस प्रकार से ये कैलकुलेट करना है। अब इसे बिल्कुल सेम इसका भी हमें निकालना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर हो चुका है। अब इसके बाद में नंबर 3, तो यहाँ पर 10 होल्ड के लिए, तो अभी हम यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाय ये हमारा 2.5, ठीक है। तो इसका भी हम कैलकुलेशन यहाँ पर कर लेते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 2.5। तो देखिए यहाँ पर 25 टर्न्स, तो हम यहाँ पर 25 टर्न्स हमें लगाने पड़ेंगे, तब जा करके हमारा यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक ये वाला एक लूप हमारा निकल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमें निकालना पड़ेगा ये सब कैलकुलेशन। और यहाँ पर एक और कैलकुलेशन यहाँ पर निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 लूप है, तो उसके लिए यहाँ पर नंबर 4 फिर से वही 10 होल्ड हमें निकालना है। तो यहाँ पर वही हम लेते हैं ऊपर का जो है उसे कॉपी करके, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अभी निकल जाएगा। देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो देखिए मैं आपको सिंपल भाषा में एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए अभी हमें यहाँ से हम शुरू करेंगे, सपोज़ ये वाला कॉइल हम पहले लगाएंगे, या फिर हम ये भी पहले लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बॉबिन में हम चाहे ये कॉइल पहले लगाए यहाँ पर नीचे, या फिर ये वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज़ अभी हमें ये वाला कॉइल हमें पहले लगाना है बॉबिन में, तो हम क्या करेंगे, देखिए हम अभी हमारे पास कैलकुलेशन तो आ चुका है, हमें अभी समझ चुका है कि 220 होल्ड निकालने के लिए हमें यहाँ पर इतना टर्न्स हमें लगाना है, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए 0 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम अभी लगाएंगे, आपको मैं करके दिखाऊंगा। तो 0 से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, तो हमें 140 होल्ड पर एक लूप निकालना है, तो उसके लिए हमें कितना टर्न्स लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 350, ठीक है। तो इतना टर्न्स हमें लगाने के बाद हमारा इतना होल्ड यहाँ पर निकल जाएगा, ओके 140 होल्ड निकल जाएगा। अब वैसे ही सेम 220 होल्ड निकालना है, तो 550 टर्न्स हमें यहाँ पर लगाने पड़ेंगे, ठीक है, उससे हमारा इतना वोल्टेज यहाँ पर निकल जाएगा। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो इसका भी सेम वैसे ही है। तो अभी हम वाइंडिंग्स करना शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम वाइंडिंग शुरू करते हैं, अभी हम इसका कॉइल बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर इस बॉबिन पे हमें एक
एक पेपर लगाना पड़ता है। तो देखिए दरअसल इस पर यहाँ पर इस टाइप का एक पेपर लगा होता है, ओके, ये वैक्स पेपर इसे कहते हैं आई थिंक। तो ये पेपर यहाँ पर लगा होता है लेकिन ये वाला नहीं है, इसलिए आप कोई भी चिपकने वाला पेपर इस पर लगा सकते हो ताकि बाइंडिंग हीट होते ही, जैसे ही बाइंडिंग अगर हीट होती है तो ये इस प्लास्टिक को ये नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हमें एक पेपर हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक चिपकने वाला पेपर है, तो इसे हम यहाँ पर चिपका देंगे और ऊपर से हम वाइंडिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये वाला कॉइल हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो 1010 का हमारा पहला जो कॉइल है उसके लिए हमें 25 टर्न्स लगाने हैं, तो ये वाला कॉइल हम पहले लगाना शुरू करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये वाली तार जो है कॉपर की, ये तार हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। दोस्तों हर तार का एक नंबर होता है लेकिन इस तार का नंबर मुझे नहीं पता है, तो क्योंकि मेरे पास वो मीटर नहीं है जिससे इस तार को मेज़र किया जा सके, अभी फ़िलहाल वो नहीं है, जैसे आ जाए तो इसका नंबर मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ये तार आप 0.75 mm या फिर 1 mm का आप तार यहाँ पर यूज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम मॉस्फेट से स्विचिंग करेंगे इस ट्रांसफार्मर को, तभी एसी से डीसी पावर हमें निकलेगा, ओके। तो इसलिए आप 1 mm का तार यूज़ कीजिए या फिर 0.75 mm या फिर 1.5 mm भी आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आपके पास बॉबिन है वैसे। तो यहाँ पर एक फाइबर स्लीव हम यूज़ करेंगे, ठीक है, वो तार में से पास करवा के फिर हम यहाँ पर इसे सेट करेंगे कुछ इस प्रकार से, और ऊपर से हम पेपर टेप यहाँ पर लगा देंगे और फिर हम इसका वाइंडिंग लगाना शुरू करेंगे, ओके। इसके नंबर ऑफ टर्न्स तो हमें 10 वोल्ट के लिए हमें बनाना है, तो हमें यहाँ पर 25 टर्न्स लगाने हैं, ओके, 10 वोल्ट के लिए 25 टर्न्स, ठीक है। तो हम इस प्रकार से इसे लपेटना शुरू करेंगे, तो इस प्रकार से हम तार को लगाएंगे, ठीक है, अच्छे से टाइट करना है आपको। ओके, ऐसे ही हमें टर्न्स लगाते जाना है, और यहाँ पे हमें 25 टर्न्स लगा करने के बाद फिर हमें जीरो वाला जो लूप है उसे हमें निकालना है, ओके, इसे ही आपको लगाना है, बिल्कुल आसान है। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर पूरे 25 टर्न्स यहाँ पर लगा दिए हैं, ओके। अभी हमें यहाँ पर कनेक्शन को बाहर निकालना पड़ेगा, ये वाला लूप, अभी ये हमारा जीरो यहाँ पर निकल चुका है, ओके। तो अभी हम इसे बाहर निकालेंगे और इसे फिर से एक फाइबर स्लीव हम यहाँ पर लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों अभी यहाँ पर हमारा 10-0 का वाइंडिंग हो चुका है, देखिए ये वाला कॉइल हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर 0 ये 10, ठीक है। अभी हमें एक और 10 होल्ड का एक लूप निकालना है, तो अभी ये 0 है, अभी हमें 10 होल्ड का एक लूप निकालना है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे और वापस हम 10 होल्ड का एक लूप यहाँ से हम निकालेंगे। चलिए अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी हम इसे वापस इसे यहीं पर अच्छे से पैक कर लेंगे और यहाँ से फिर से हमें यहाँ पर 25 टर्न्स हमें लगाना है, ओके। तो हमारा और 25 टर्न्स लगाने के बाद हमारा 10 वोल्ट का एक लूप यहाँ से फिर से एक बार निकल जाएगा, ओके। तो ये हमारा एक टर्न्स हो गया, ऐसे ही ये दूसरा टर्न्स, ऐसे ही बिल्कुल सेम यहाँ तक तीसरा टर्न्स, ओके। तो इसे आपको टर्न्स आपको मेजर करते जाना है और फिर से 25 टर्न्स लगा के फिर हमारा 10-0-10 का ये लूप कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही पहला जो लेयर है वाइंडिंग का वो लेयर अगर कंप्लीट हो जाए बॉबिन पे, तो ऊपर से एक और पेपर टेप हम यहाँ पर लगा देंगे सेफ्टी के लिए, ओके। तो एक और पेपर टेप हम यहाँ पर लगा देंगे, और पेपर टेप लगाने के बाद वापिस वहीं से हम नंबरिंग शुरू करके
फिर हम पूरे हमारे 25 टर्न्स हम कंप्लीट कर देंगे। ओके, अभी हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 25 टर्न्स कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हमारा 10-0-10 का जो लूप है वो वाइंडिंग अभी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो आप इस हम इसे यहाँ पर इस पॉइंट को हम यहाँ पर निकालेंगे। तो इस तार को हमें कट करके इसमें फाइबर स्लीव लगा के इस कनेक्शन को हमें बाहर निकालना पड़ेगा। ओके, तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि अभी ये वाला कॉइल हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे ये वाला कॉइल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। देखिए 10-0 और 10। ओके, इस प्रकार से ये वाला कॉइल अभी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी हमें दूसरी कॉइल की तरफ बढ़ना चाहिए। तो देखिए दोस्तों दूसरा वाला जो कॉइल है उसे बढ़ाने के लिए अभी हमें यहाँ पर 550 टर्न्स लगाने हैं 220 वोल्ट निकालने के लिए। ओके, तो यहाँ पर हम कॉपर की तार वही यूज़ करेंगे। देखिए ये वाले तार हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों आप यहाँ पर एल्यूमिनियम का भी तार आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कॉपर का अगर यूज़ करेंगे तो बेस्ट रहेगा क्योंकि कॉपर का जो वाइंडिंग होता है वो जल्दी जलता नहीं है। ओके, लॉन्ग लाइफ तक ये टिका रहता है, इसलिए सबसे बेस्ट कॉपर वाइंडिंग को माना जाता है। अब दोस्तों जो हमने पहले वाला जो तार यूज़ किया था पहली कॉइल में उसके मुकाबले ये थोड़ा सा कम है। ये वाले तार लगभग 0.50 mm से भी थोड़ा बहुत कम हो सकता है, या फिर आप 0.50 mm यूज़ कीजिए। तो देखिए इस तार को हम पहले से एक वायर यहाँ पर सोल्डर करके रखे हुए थे, अब हम इसे फाइबर स्लीव भी हम लगा दिए हैं और अभी हम जल्दी से इसे यहाँ पर चिपका देते हैं और जल्दी से नंबर ऑफ टर्न्स लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये वाला वायर हम यहाँ पर चिपका दिया है। ठीक है, अभी हम जल्दी से नंबर ऑफ टर्न्स लगाना शुरू करते हैं। ओके, अब बिल्कुल उसी तरह से लगाना है। देखिए ये हमारा न्यूट्रल वायर यानी 0, अभी हम 0 से स्टार्ट करके फिर हमें 140 वोल्ट तक का लूप निकालना है, तो उसके लिए हमें 350 टर्न्स यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। तो देखिए ये अभी हमारे यहाँ तक एक टर्न्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अभी दूसरा वाला यहाँ तक दूसरा कंप्लीट हो चुका है। ओके, इस प्रकार से हम एक एक टर्न्स लगाते जाएंगे। तीसरा वाला, ठीक है, इस प्रकार से ये 4, इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे। और देखिए ये वाला लेयर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो हमें यहाँ पर फिर से एक पेपर टेप हमें लगाना पड़ेगा और फिर हम आगे का नंबर ऑफ टर्न्स लगाना शुरू करेंगे। ओके, जैसे ये एक लेयर कंप्लीट हो जाए तो आपको पेपर टेप लगाना ही है क्योंकि इससे क्या होगा कि ट्रांसफार्मर का सेफ्टी बना रहेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 140 वोल्ट का लूप हमें निकालना है, तो उसके लिए हमें 350 टर्न्स लगाने थे। ओके, तो 350 टर्न्स हम यहाँ पर लगा चुके हैं। अब हम यहाँ से एक और पॉइंट को हम निकालेंगे, यहाँ पर एक और वायर हम यहाँ पर सोल्डर करके फिर इसे यहाँ पर एक पॉइंट हम निकाल देंगे 140 वोल्ट का लूप। ठीक है, तो ये वाला वायर हम यहाँ पर सोल्डर कर देते हैं और हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इस तार को काटना नहीं है, बस यहाँ पर वायर सोल्डर कर देना है। यहाँ पर इस तार के ऊपर एक कोटिंग होता है तो उसे हमें पहले हटाना पड़ेगा, तो हम इसे पहले हटा देते हैं एक कटर की मदद से, फिर हम इसे यहाँ पर सोल्डरिंग कर देंगे उस वायर को। तो देखिए इस वायर को हमने यहाँ पर सोल्डर कर दिया है। याद रखे आपको सोल्डरिंग करते समय सोल्डरिंग पेस्ट का यूज़ करना है, उससे बेस्ट सोल्डरिंग होता है। अब दोस्तों ये हमारा 140 होल्ड का ये लूप यहाँ पर निकल चुका है। अब हम इस वायर को यहाँ पर सेंटर में ही सेट कर देते हैं, इसे चिपका देंगे और फिर हम आगे नंबर ऑफ टर्न्स लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, अभी 350 हुए हैं तो उसके आगे हम शुरू करेंगे। ओके, तो हमें टोटल 550 टर्न्स हमें लगाने हैं, तो हम 350 से आगे कंटिन्यू उसका जो गिनती है वो शुरू करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 220 वोल्ट का लूप यहाँ पर निकल चुका है, 550 टर्न्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर 10 टर्न्स ज़्यादा लगाए हैं। ओके, क्योंकि मेरे को ज़्यादा वोल्टेज चाहिए था इसलिए। अब वापस से हम ऊपर से पेपर टेप हम लगा देंगे और PVC जो टेप रहता है उसे भी हम लगा देंगे ऊपर से, पेपर टेप के ऊपर से। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों अभी हम कोर लगाना शुरू करते हैं। ओके देखिए बिल्कुल सिंपल है, आपको इस तरह से ही एक एक कोर यहाँ पर आपको लगाना है, बस इसका गैप जो है ये कंप्लीट आपको भर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ट्रांसफार्मर कंप्लीट हो चुका है। देखिए सब कोर वगैरह हमने सब कंप्लीट लगा दिए हैं। ओके नट भी उसे अच्छे से टाइट कर दिए हैं। ओके अभी हम इसका टेस्टिंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हम इसका टेस्टिंग करेंगे। देखिए मिस्त्री इसका कनेक्शन लेके आया हो, ये मैंने न्यूट्रल लगा दिया। ओके अभी फेस ये हमने 220 के टिपिंग पर हमने लगाया है। अब हमने मल्टीमीटर को इसी मोड पर यहाँ पर सेट कर दिया है और मल्टीमीटर का एक प्रोब हम न्यूट्रल में लगा देंगे। ओके और दूसरे से हम अभी यहाँ पर वोल्टेज आपको चेक करके दिखाएंगे। आप मीटर देखिए, देखिए ये हमारा इनपुट वोल्टेज। ओके ये 230 वोल्ट के ऊपर है, ये हमारा आने वाला फेज है एसी वोल्टेज। ठीक है तो दोस्तों अब हम 140 वोल्ट का जो टेपिंग है वाइट वायर, उसमें हमें 140 वोल्ट चाहिए, तो अभी हम ये टेस्ट करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी 140 वोल्ट के ऊपर आ रहा है, यानी ये भी एकदम ओके है। अब दोस्तों यहाँ पर 140 वोल्ट के ऊपर क्यों आ रहा है, देखिए हमने यहाँ पर इनपुट आपको चेक करवाया था 230 वोल्ट के ऊपर। ओके तो 230 वोल्ट हम कहाँ पर दे रहे हैं, जहाँ पर 220 वोल्ट का जो लूप निकला है, 220 वोल्ट का टेपिंग, उस पर हम 230 वोल्ट दे रहे हैं, इसलिए ये वोल्टेज थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। देखिए अब दूसरा कॉइल हम आपको टेस्ट करवा के दिखाते हैं। देखिए 10 वोल्ट के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर भी आ रहा है, देखिए दोनों कॉइल। ओके तो दोस्तों इस प्रकार से ये अभी ट्रांसफार्मर परफेक्टली वर्किंग यहाँ पर कर रहा है। अब दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और वीडियो लंबा हो गया उसके लिए माफी चाहता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इस ट्रांसफार्मर को ड्राइव करने वाला इनवर्टर सर्किट हम बनाएंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे।